पिंडी के इलाके रहमानाबाद में वाकई नादरा ऑफिस में आई खातून के साथ हमले का नारवा सलूक। खातून के साथ शिकवा करने पर नादरा मुलाजमीन सीख पा हो गए। नादरा अमले ने खातून के साथ गालम गलोच की। नादरा मुलाजमीन की खातून से बदतमीजी और गालम गलोच की फुटेज भी सामने आ गई। नादरा दफ्तर में मौजूद दीगर अफराद मुलाजमीन को गालम गलोच और बदतमीजी से रोकते रहे। आपको अपडेट करेंगे, खातून का शिकवा करने पर नादरा के मुलाजमीन और भड़क उठे। गालम गलोच पर उतर आए, बदतमीजी की फुटेज वायरल हो गई। खातून के शिकवा करने पर नादरा मुलाजमीन सीख पा हो गए। रावलपिंडी में वाकया पेश आया। रहमानाबाद में नादरा ऑफिस के अमले का नारवा सलूक, शहरी परेशान। आई हुई खातून के साथ बदतमीजी की गई, गालियां दी गई। खातून के शिकवा करने पर और गुस्सा किया गया। नादरा अमले की खातून के साथ गालम गलोच और बदतमीजी की वीडियो वायरल हो गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अनवार अब्बासी से। जी अनवार, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, रावलपिंडी के रहमानाबाद के नादरा ऑफिस में ये वाकया पेश आया। खातून ने ये इल्जाम लगाया कि उसके साथ नादरा अमले की जानिब से नारवा रवैया रवा रखा गया और उसके साथ गालम गलोच भी की गई। खातून की जानिब से अमले को काउंटर ना चलने का शिकवा किया गया था और अमले जो खातून के शिकवा करने पर नादरा मुलाजमीन सिखवा हो गए और नादरा मुलाजमीन खातून को बार बार दफ्तर से निकल जाने का कहते रहे। नादरा मुलाजमीन की खातून से बदतमीजी और गालम गलोच की फोटेज भी एडीए न्यूज ने हासिल कर ली है। इसके अलावा नादरा दफ्तर में मौजूद दीगर अफराद भी मुलाजमीन को गालम गलोच और बदतमीजी से रोकते रहे। दूसरी जानब हमने रब्ता किया है जो यहाँ पर मौजूद जो डायरेक्टर हैं नादरा, उनकी जानब से ये कहना था कि ऐसा कोई वाकया यहाँ पर नहीं हुआ, ये फोटेज पुरानी हो सकती है। जबकि खातून ने ये इल्जाम लगाया है कि उसके साथ ये वाकया पेश आया और उसके साथ यहाँ पर बदतमीजी की गई है, गालम गलोच की गई है और उसे धक्के देकर उसे कहा गया है कि यहाँ दफ्तर से निकल जाएं। और इसके अलावा जो दीगर जो अमले के लोग भी थे उनकी जानब से उनके साथ बदतमीजी की गई है। तो ये वाकया रहमानाबाद का जो नादरा ऑफिस है वहां पर पेश आया, जिस पर खातून ने ये इल्जाम लगाया कि वहां के अमले ने उसके साथ ना सिर्फ गालम गलोच की बल्कि उससे जबरदस्ती दफ्तर से निकल जाने का भी कहा गया। जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी।